बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि 180 नई बसें 56 रूटों पर चलाई जाएंगी जिसमें डायरेक्ट सर्विस मिलने वाली है। आपको बता दें कि बिहार से पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के लिए करीब 180 नई बसें चलाई जाएंगी। राज्य परिवहन प्राधिकार ने दोनों राज्यों के बीच करीब 56 रूटों पर बसों की रिक्तियां निकाली है जिसकी परमिट की स्वीकृति के लिए वाहन स्वामियों से आवेदन की मांग की गई है। बिहार पश्चिम बंगाल और बिहार छत्तीसगढ़ के मध्य हुए पारस्परिक परिवहन समझौते के तहत करीब 6 दर्जन रूट बसों के परिचालन के लिए चिन्हित किए गए थे। इसमें अधिसंख्य रूटों पर बस तो चल ही रही है मगर उनकी संख्या थोड़ी कम बताई जा रही है। अब विभाग इन रूटों पर बची रिक्तियां भरकर बसों की संख्या बढ़ाएगा। इसके पूर्व बिहार से झारखंड के बीच भी करीब 200 रूटों पर नई बसों के परिचालन के लिए विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए थे। राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय के अनुसार बिहार से बंगाल के लिए 45 रूट चिन्हित किए गए। इसमें 34 रूटों पर करीब 116 बसों की रिक्तियां हैं। सुल्तानगंज से मालदा वाया कटिहार, भागलपुर से सिउरी वाया दुमका, मरहर से कोलकाता वाया धनबाद, पूर्णिया से कोलकाता वाया फरक्का और भागलपुर से दुर्गापुर वाया दुमका रूट पर सर्वाधिक बसों की रिक्तियां हैं। बिहार से छत्तीसगढ़ के बीच 28 रूटों पर बसों का परिचालन निर्धारित है जिसमें 28 रूटों पर करीब 66 बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें सबसे अधिक बसें बिहार शरीफ, अंबिकापुर वाया रांची, अंबिकापुर बोधगया वाया औरंगाबाद, पटना जसपुर वाया रांची, दरभंगा कुनकुरी वाया रांची, भागलपुर कुनकुरी वाया रांची, सिवान बगीचा वाया अंबिकापुर और जसपुर से जयरागी वाया चैनपुर शामिल है। इन इलाकों से बसें चलने वाली है। वहीं परिवहन प्राधिकार ने कहा है कि बिहार से पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के लिए परमिट की स्वीकृति देने को वाहन स्वामियों से 23 जून तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा 24 जून तक आवेदन की हार्ड कॉपी भी कार्यालय में जमा करनी जरूरी है। प्रस्तावित समय सारणी का प्रकाशन 27 जून तक कर दिया जाएगा। परमिट की स्वीकृति के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक 8 जुलाई को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्यालय में होगी। इसी तरह से बिहार में अलग अलग रूटों के लिए बहुत सारी बसों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। कुल मिलाकर 56 रूटों पर 180 नई बसें चलाई जाएंगी जिससे यात्रियों को पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के लिए डायरेक्ट सेवा मिलेगी और झंझट भी कम होगा। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।